Assalamualaikum guys, welcome back to another vlog. कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ. और अभी एक्चुअली हो रही है शाम और बहुत ही प्यारी शाम. एक्चुअली बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है जो कि काफ़ी डेज से ही है अल्हम्दुलिल्लाह. और ना मैं एक्चुअली अभी थोड़ी देर पहले सो के उठी थी और फिर सो के उठने के बाद से फिर मैं ड्रामा देख रही थी और फिर ऐसे तकरीबन पूरा दिन गुजर गया. अभी बस शाम हुई नहीं है, वैसे ऐसा लग रहा है जैसे शाम हो गई, लेकिन चूँकि मौसम बहुत अच्छा हुआ है, बादल छाए हुए हैं पूरे आसमान पे, तो इस वजह से मैं बाहर आई थी थोड़ी देर पहले. और ना मैं एहसन को ढूंढ रही थी, मतलब कि वो गया हुआ है बाहर, और ना मैं उसे ढूंढने के लिए बाहर आई थी कि वो किधर है. मैं उससे कुछ मंगवाऊँ खाने के लिए, क्योंकि मैं सर्दी में ऐसे पहले लेटी रही और अभी मुझे नींद आ रही थी. फिर मैं सोचा चलो निशो आउट हुई लोग बता लो, और ना बाहर का मौसम इतना अच्छा, तो फिर अगर मौसम अच्छा हो और मैं नींद पे सिर्फ तब कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हूँ जब बाहर बारिश हो रही हो या फिर मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो. तब अभी मैं ऐसा तो ढूंढ रही थी लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहा. अभी मैंने गली में भी चेक किया, पता नहीं किधर चला गया वो. और ना और हाँ, मैंने आप लोगों से एक और बात कहनी थी, वो ये कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि होक टाई चैलेंज या फिर होक टाई स्केप चैलेंज, लाइक मतलब कि चैलेंज करने के काफ़ी सारे वो कमेंट्स आते हैं, तो वो मैं नहीं कर सकती इस वजह से, क्योंकि पहले भी मैंने एक्चुअली मैंने ये स्टार्ट कर दिया था चैलेंज वगैरह करने, और ना जो कमेंट आता था मैं उसके मुताबिक वो वाला चैलेंज करती थी. और होक टाई चैलेंज ऐसे मैंने एक चैलेंज किया था, तो उस पर ना वो स्ट्राइक आ गई थी यूट्यूब की, मतलब कि मेरे चैनल पे स्ट्राइक आ गई थी, और इस वजह से मेरा एक चैनल पहले भी बंद हो चुका है. तो ना इस वजह से मैं आप लोगों के कुछ कमेंट्स के ना रिप्लाई भी नहीं करती, क्योंकि फिर मैंने करने होते नहीं हैं, और इस वजह से ना मैं पढ़ती हूँ कमेंट्स वगैरह, और ना इस वजह से फिर मैं ज़्यादातर ना ये ऐसे चैलेंजेस से दूर ही रहती हूँ, लाइक जिन पे मुझे लगता हो कि स्ट्राइक आएगी. तो बाकी कुछ थोड़े बहुत जो चैलेंज बाकी जो मुझे सही लगेंगे मैं वो करूँगी. लेकिन ओए तुम आ गए हो, किधर थे तुम इतनी देर से? मैं तुम्हें ढूंढ रही थी. पसीना देखो आया हुआ कैसे. अच्छा ऐसे मैं तुम्हें कहना था कि मुझे वो लादा हो जाती हूँ तुम्हारे ख्याल से. यार ऐसा तुम्हें जब भी कह दो तुमने यही कहना होता, जितने की भी वो तो तुम मुझे बताओगे ना कि क्या मेन्यू में क्या क्या. वो जो इधर एक ढाबा है वो ये रेस्टोरेंट है या फिर क्या है? एहसन तुम कब नहीं ये कहते कि तुमने ये नहीं ला के देना, और तुम हमेशा ही मुझे ये कहते हो. एक जवाब मिलता है मुझे, तुम मैक्रोनीज क्यों खा रही हो? मैक्रोनीज नहीं अच्छी होंगी. मैं पहले लाया था ना जो जिंगर बर्गर, वो नहीं अच्छा था. ये जो मैं लेके आया था ना कल रात को, मुझे पता है कल रात को बाकी सबको ला के दे रहे, तो तुम मुझे मेरे पे जब बात आती है तब तुम्हें रिश्वत या फिर ऐसे कुछ चाहिए? अच्छा चलो जो कुछ मर्जी ला दो, लेकिन ला के तो दो ना मुझे, मैंने कुछ खाना है इस वजह से. रिश्वत? अच्छा ओके पर्सनल बात. जाओ भाई एक तो अब जल्दी आ जाना वापिस एहसन. एक तो इसके दोस्त नहीं अच्छा, आप लोगों को बताती हूँ पर्सनल बात इसकी ये थी कि निशा निशा मैं हम दोनों ना पैसे डालते हैं, और ना कह रहे सिर्फ मैं कितने 50 रुपये में देता हूँ तुम्हें, और ना फिर आधा जिंगर बर्गर मुझे देना. मैंने कहा अच्छा भाई अब ये तो पता चलेगा ना तुम क्यों, तुम इतने थोड़े से पैसे डालो और मैं ज़्यादा पैसे डालूँ. और तुम ये ऐसे ही करते हैं हमेशा इसे, और मुझे लगता है फिर फरार हो गए किसी दोस्त के साथ. एक तो इसके दोस्त इसकी जान नहीं छोड़ते. खैर यार मैं घर में रह रहा कितना बोर हो रही हूँ ना कसम से. मैं सोच रही हूँ जल्दी से कॉलेज ओपन हो, लेकिन फिर मुझे वो याद आता है सेम वही रूटीन वही सब कुछ होगा, तो मैं क्या करूँगी. मतलब मुझे सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, सबसे बुरी बात ये मुझे लगती है. और अभी तो इतना अच्छा मौसम हुआ है, मेरे पास कुछ है भी नहीं करने को ऐसे, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ. अभी आए पूरे 2 घंटे बाद और आई मुझे कहानियाँ सुनाने लगी है. निश्वा निश्वा ये करो वो करो, तो पहले ये तो बताओ तुम जब मेरा दिल करा था सही है तब तुम आए नहीं, और अब तुम 2 घंटे बाद आके तो बैठ गए हो. बड़े चलाक हो तुम वैसे, मतलब कि उस दिन मुझे कहते हैं देखो कितनी भूखी है गाइस. भूखी कौन मैं हूँ? तुम मुझे तुम यार बड़े... मेरे पास अब पैसे नहीं है मैं क्या करूँ? इतना झूठ है ये, अभी मैं जाके तुम्हारा नहीं सारा रात फाश कर दूँ. एक्सपोज नहीं करते बिल्कुल, वो मुझे पता है कि जितने इसके पास पैसे होते हैं उतने घर में किसी के पास नहीं होते, क्योंकि ये छोटा है हमारे घर में सबसे, इस वजह से सबसे ज़्यादा पैसे इसी के पास होते हैं.
और सबसे ज्यादा खुले नहीं है ना मेरे पास। हाँ तो खुले हो सकते हैं, मेरे पास भी खुले नहीं है जो मैंने तुम्हें देने हैं। कितने बजे? 500 बजे। तो मेरे पास 1000 है। हाँ तो पैसे होते ही खर्च करने के लिए और कितने होते हैं। मैं बड़े बदतमीज ऐसा तो मैं तुम्हें बता रही थी कि यार ये बड़ा है। अच्छा चलो ले गए तो आओ, बाकी हिसाब किताब बाद में करूँगी मैं तुम्हारे। पचास मेरे तुम्हारे पास ही है ठीक है ना। हाँ वो मुझे पता है ना। चलो ये लो, चलो लेके आओ जाके सिंगर बर्गर थोड़ा सा। हाफ हाफ हाँ हाँ उधर से करवा देना। जब तक हसन का वेट करना है ना तब तक मैं आप लोगों को मौसम दिखाती हूँ जो कि बहुत अच्छा हुआ है। और ना और ये कि मैं कब से बारिश का वेट कर रही हूँ लेकिन बारिश हो नहीं रही, वैसे काले बादल छाए हुए हैं लेकिन हवा इतनी अच्छी चली है ना। उफ इतना प्यारा मौसम हुआ है ना लेकिन यार बारिश नहीं हो रही। और ऊपर से ये जो वायर्स आ जाती हैं ना मेरे, कभी अच्छा व्यू कैप्चर नहीं हो सकता। बहुत अच्छा लग रही है वैसे। गाइस अभी ना मैं एक्चुअली बाहर आई थी एहसन को देखने और मैंने देखा तो बारिश हो रही है, मतलब मुझे पता ही नहीं चला घर में बैठी हुई, लेकिन बिल्कुल हल्की हल्की सी हो रही है, इस वजह से पता ही नहीं चला घर में। तो मैंने बाहर से देखा और इधर से मुझे पता चला कि बारिश हो रही है। सभी ये फाइनली आ गए। मैं तो सोच रही थी एहसन की मैंने छत पे अपने पैसों से तुम्हारे लिए। मैंने तुम्हें पैसे दिए थे या तुमने मुझे दिए थे? अपने पैसे हैं तुम्हारे पैसे मेरे पैसे। तुम करके क्या मतलब कि दो लेके आए हो? मेरे पैसों से ले आए हैं अपने लिए भी। बारिश ही बड़ी हो रही थी। तो क्या इट मीन्स तुम मेरे पैसे खा मेरे पैसे खा दो? कैसे क्या मतलब है? मैं तुम्हें 50 रुपए दे रही थी, तुम बारिश तुमसे तो पुत्र दे बारिश ही बड़ी हो रही। तुमसे मैं लूंगी पैसे, तुम मैं पूरा हिसाब रखूंगी तुम्हारा। अच्छा, सही है, तुम्हें देने पड़ेंगे बेटा। तुम 50 रुपए। अच्छा ऐसे मैं तो छत पे जा रही थी, इतनी अच्छी बारिश हो रही है। छत पे जाके खाएंगे इसको। हाँ बड़ा मजा आएगा। फिर चेयर उठा लो यार, ये बदला एक तो अब मैं चेयर से खाऊँ और मैं क्या क्या करूँ इसलिए मैं इधर ही बैठ जाती हूँ। यही सही है। पापा जी ने आके देख लिया ना, मैं नीचे बैठे हुए अच्छी खासी हो जानी है। अच्छा चलो यार मैंने व्लॉग भी एडिट करना है। चलो तो इधर मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही है यार। से व्लॉग ये अपना बाहर मोटे गाइस अभी वीर यार। तो गाइस अभी मैं इस व्लॉग में देख रही हूं और फिर मैं खा और तुम लोग देखो चुपके खा रहे हो। शर्म नहीं आती? चुपके नहीं खा रही मैं, उधर ही आ रही थी। आप सब लोग छत पे जा रहे थे ये देखिए, मतलब मुझे ऊपर जाने का आधा आधे से ज़्यादा मतलब कि आधे से कम थोड़ा सा। चलो ये लोग खा गए हैं सही है। और अभी मैं इधर बैठी हूँ, मैं सोच रही थी मैं छत पे जाऊँ, चलो फिर अभी मैं ये खा के चल जाऊँगी। और ऐसा पता नहीं किधर चला गया। अभी हम लोगों के ना बहन भाइयों ने हम पे वो हमला कर दिया था। और ऐसा तुमसे तो बदला लूँगी बेटे, तुमने जो मेरे पैसे खाए हैं ना। तो अभी क्योंकि मैंने भी व्लॉग को भी एडिट करना है तो फिर इस व्लॉग को करते हैं एंड। सालों बाद में तब तक के दादा प्लीज़ दादा।